अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स, मैं हूं इफ्तिखार चौधरी। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे का बटन जरूर दबा दें, लाइक करें और शेयर भी किया करें। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कटजरा डैम। कटजरा डैम बेसिकली एक प्रपोज्ड डैम है, प्रपोज्ड साइडस करदू के ऊपर। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कुछ इस पर एतराज़ात भी आए हुए हैं तो वो क्या हैं। तो वो दोनों ही एक हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि इस पर एतराज़ात क्यों आए हैं। कटजरा डैम दोस्तों, ये सकरदू कोई ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे है, इंडस रिवर, जहाँ इंडस रिवर, शिगर रिवर और श्योग रिवर, तीनों रिवर आपस में मिलते हैं, वहाँ ये डैम मौजूद है। वहाँ डैम बनाया जाना है, यानी प्रपोज डैम की फिजिबिलिटी रेडी है। तो इसमें कुछ इश्यूज हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। ये डैम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम होगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा। इसमें कोई 15,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी और कोई 35 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। ये डैम सदा समुंदर से मैक्सिमम ऊंचाई पे होगा, या अगर ये बनता है तो पाकिस्तान में कोई भी डैम इतना ऊंचा नहीं होगा। ये 8,202 फुट सी लेवल से ऊपर होगा, यानी जो इसके अगला डैम है, बूंजी डैम है, वो ऑलमोस्ट कोई 4768 फीट ऊपर है और ये 8,202 फीट है। आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना ऊंचा डैम है। ये दोस्तों, जो आपको बताया कि जहां तीनों रिवर मिलते हैं वहां इसकी साइट है, तो यहां इसका जो रिजर्वायर है वो बनाने का इसका प्लान है। तो इसमें ये कोई ऑलमोस्ट कोई 750 फीट गहरा भी होगा। इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो तो ऑब्वियस हैं, मतलब कि 15,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 35 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा करेगा। ये पानी बेसिकली इसकी जो कास्ट है, अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो सालाना कोई $21 अरब का ये पानी की वैल्यू है, जितना ये इसको स्टोरेज करेगा। और अगर ये डैम बन जाता है तो ऑलमोस्ट कोई $100 बिलियन यानी $100 अरब ये सालाना आपको बेनिफिट देगा पाकिस्तान को। इसके अलावा इसका बेनिफिट बहुत और भी है कि बेसिकली ये जो इंडस रिवर और तीनों रिवर मिलते हैं, इसके पीछे कोई रिवर नहीं है, ये यहाँ से ही तीनों स्टार्ट होते हैं। और जितनी कुछ सिल्टिंग होती है, ये फ्रेश वाटर का डैम बनेगा कि सिल्टिंग जो आएगी ये इसको सेपरेट कर देगा। यानी ये सिल्टिंग जो है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है आपके रिवर्स में, जो अगले डैम्स होते हैं या आगे जाके जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है वहाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक तो ये सिल्टिंग को रोकेगा, यानी सिल्टिंग आगे नहीं जाएगी, और इसकी वजह से चूँकि ये सिल्टिंग आगे नहीं जाएगी, जो आपके अगले डैम है जैसे बाशा है, दासू है और सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है, उनकी लाइफ में 800 साल का इजाफा हो जाएगा, जबकि इसकी अपनी लाइफ इटसेल्फ कोई 1,000 साल बताई जा रही है। तो ये देखें कितना बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा जो इसके अलाइड बेनिफिट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, यानी ये एरिया डेवलप हो जाता है, वहाँ स्कूल कॉलेजेस बनते हैं, रोड्स बनती हैं, जॉब्स देते हैं इसमें, 20,000 लोगों को जॉब्स दी जाएंगी अगर ये डैम बनता है तो। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंने इसलिए कहा कि जब सबसे बड़ा डैम है वो थ्री गॉर्जिस चाइना है, चाइना के अंदर एक डैम है उसका नाम है थ्री गॉर्जिस, वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है इस वक्त तक। वो 21,700 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और उसमें पानी स्टोर करने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट इतनी ही है। तो एतराज़ात तो उसमें बहुत आए थे जब वो बनाना उसने शुरू किया था जब चाइना ने, तो इवन विद इन चाइना तो एतराज़ात होते ही हैं, दुनिया पूरी से बहुत एतराज़ात आए थे। इवन अमेरिका का जो नासा डिपार्टमेंट है उसने यहाँ तक कह दिया था कि ये डैम अगर बन गया तो जो ज़मीन की हरकत है वो डिस्टर्ब हो सकती है, यानी ये इसमें इतना पानी ज़्यादा जमा होगा और वो पानी
हैवी होगा, उसका वेट होगा, तो इसकी वजह से जो जमीन की हरकत है, हालांकि मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा कोई थ्योरी बनती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने पेश की कि इससे उसकी जमीन की हरकत डिस्टर्ब हो सकती है। तो लेकिन इसके बावजूद वो कमिटेड रहे, उन्होंने बनाया और वो उससे 21,700 मेगावाट बिजली ले रहे हैं और पानी ले रहे हैं। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नथिंग, बेनिफिट्स ले रहे हैं वो। इसी तरह हमें भी ये डैम बनाना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो आपने सुन लिए, इसके कुछ अतराजात हैं, उनको कैसे काउंटर करना है, यानी इसको कैसे ख़त्म किया जाए, उनका कोई सलूशन है या नहीं है। एक इंजीनियर होते थे, इंजीनियर फतेहुल्लाह वापडा में, वो उन्होंने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए हैं, उन्होंने 2008 में बड़ी कोशिश की थी, इवन वो प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचे थे, जो गिलानी प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रजा गिलानी होते थे, उन तक भी उन्होंने रसाई हासिल की कि इस डैम को ज़रूर बनाया जाए। इसकी फिजिबिलिटी दोबारा रिविजिट हुई, तो वो बहरहाल वापडा ने इसको टिल टुडे एक्सेप्ट नहीं किया। जो वापडा ने 2025 विजन रखा हुआ था डैमों के लिए, उसमें बहुत सारे 15-20 बड़े छोटे बड़े डैम थे, उसमें इसका नाम निकाल दिया गया था, और हो सकता है कि अब 25 के बाद इसको बना लिया जाए। तो लेट्स सी के इसके जो अतराजात हैं वो क्या हैं। सबसे पहला अतराज तो ये है कि जो एक शिगर रिवर आपको बताया, जो शिगर रिवर है, श्योग रिवर है, जहाँ आगे इंडस रिवर में मिलते हैं, तो शिगर रिवर के साथ साथ एक वैली है जिसको शिगर वैली कहते हैं। जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं सकरदू के, वो जानते हैं शिगर वैली बहुत खूबसूरत वैली है, जहाँ ये शंगरीला एक रिजॉर्ट भी है, बड़ा मशहूर है, और कचोरा लेक्स भी हैं वहाँ, दो अपर कचोरा और लोअर, ये पूरा एरिया वो शिगर वैली के अंदर ही आता है, बहुत खूबसूरत वैली है ये। तो ये तो सच है कि अगर ये डैम इसी कैपेसिटी में बनता है तो ये पूरी जो वैली है वो पानी में डूब जाएगी। दूसरा, साथ ही नीचे एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट भी नीचे पानी में डूब जाएगा। और इसके अलावा जो सकरदू है, सकरदू में भी बहुत सारा एरिया, काफ़ी सारा एरिया, यानी वो कह रहे हैं कि 8-10 हज़ार दुकानें और कुछ मसाजिद और कुछ पार्क्स और इस तरह की हॉस्पिटल और स्कूल्स, ये भी पानी में डूब सकते हैं। ये बिल्कुल उनका राइट है कि ऐसा सोचें और ऐसा करें, क्योंकि इसीलिए तो कम से कम मेरी तो ओपिनियन यही है कि इसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, इसकी डिस्कशन होनी चाहिए, इसके मेरिट डिमेरिट देखने चाहिए, और अगर किसी चीज़ का सलूशन पॉसिबल है तो उसको सलूशन को निकाल के इसको डैम को ज़रूर बनना चाहिए। दूसरा इसके, ये तो एक थे मसाइल, दूसरा इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है वो है कि ऑलमोस्ट 2 लाख लोग, यानी कि 45,000 घराने या 2 लाख लोग भी डिस्प्लेस हो सकते हैं, यानी उनकी ज़मीनें, उनके घर इसके अंदर आ जाएंगे, तो उनके लिए कैसे आपने सेटलमेंट करनी है, ये एक देखने वाली चीज़ है। ये बेसिकली जो पहले दोनों ही इतराज़ हैं, ये इतराज़ तो जनरल, लेकिन इनका सलूशन मौजूद है कि आप उन लोगों को कहीं और सेटल कर दें, उनको मुआवजा दे दें, उनको यहाँ जॉब्स दे दें, उनमें से जो लोग एलिजिबल हैं उनको जॉब्स दे दें, और एयरपोर्ट है वो तो कहीं दूसरी तरफ भी नया बन सकता है। लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इसमें एतराज़ आ रहा है ना, कि जो हमारी सकरदू है वो जगह ऐसी है कि आपको पता है कि एक तरफ कारगिल है, एक तरफ सियाचिन है, और लद्दाख का एरिया पूरा इसमें ही आता है ना, तो वो सारा इंडिया के पास है, बहुत सारा यहाँ, तो ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस पर एतराज़ है कि इन फ्यूचर में सपोज अगर कोई जंग लग जाती है खुदा न खास्ता और हम इस डैम को बचा नहीं पाते दुश्मन से, तो ये डैम अगर वो उसमें 35 मिलियन एकड़ फिट पानी होता है उस वक्त और वो अगर टूट जाता है खुदा न खास्ता, तो ये नीचे जितने इसके डैम्स हैं या इवन इंस्टॉलेशंस हैं टिल सिंध तक, समंदर तक, ये सारा कुछ बहा के ले जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पानी है। ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पास 13 मिलियन एकड़ फिट, पूरे कंट्री के जितने डैम हैं वो 13-14 मिलियन एकड़ फिट पानी जमा कर रहे हैं, इस अकेले में ही 35 होगा, तो वो बड़ी ये चीज़ एक सोचने वाली है। तो इसका सलूशन तो डेफिनेटली जो माहरीन हैं उनको ही निकालना चाहिए। दो ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं कि आप इसको 35 मिलियन एकड़ फिट पे ना लेके जाएं, इसको 5-6 ही रखें,
क्योंकि 35 मिलियन एकड़ का तो फिट का मतलब है कि ये काला बाग डैम से 6-7 गुना बड़ा है, और आपका जो दासू डैम और दूसरा ये दियामर बादशाह डैम बन रहा है इनसे भी इतने 6-7 गुना बड़ा हो जाएगा। तो आप इसका इतना ना करें या थोड़ा कर लें तो मतलब 2-4 मिलियन एकड़ फिट कर लें, 5 कर लें, और डिज़ाइन इस तरह का बनाएं कि पानी इसमें ना जमा रखें, उसके लिए कोई और जगह देख लें, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में कि वो एक बड़ी आइडियल जगह पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि आप यहाँ पानी जमा ना करें, नीचे आके कर लें और वहाँ वो सेफ भी है। तो इस तरह कम से कम आपके पास थोड़ा सा पानी भी जमा हो जाएगा और बिजली भी पैदा हो जाएगी, 15,000 नहीं होगी, चलो 5-6,000 हो जाएगी जितनी भी हो जाएगी, लेकिन इसको बिल्कुल ही ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप इसको छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन देना चाहिए। तो इसके अलावा और अगर मतलब कहना चाहता हूं मैं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार हैं, और जो इसके नुकसानात हैं वो भी डेफिनेट हैं, लेकिन उन पे डेफिनेटली बैठना चाहिए। एक और हमारे वापडा में तो नहीं है, वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर इकबाल वाला, वो बेसिकली डॉक्टर उनको इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में पीएचडी की हुई है। ये स्ट्रक्चर में पीएचडी पाकिस्तान में बहुत गिने चुने लोग हैं, ये बड़ी मतलब डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट होती है। तो वो वाला साहब जो दुनिया में उसने इन्होंने कोई तकरीबन 100 प्रोजेक्ट इसी तरह के किए हुए हैं, यानी इनसे मिलते जुलते, तो उनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है कि माहरीन को उनसे कंसल्ट करना चाहिए, दोबारा से उसको बिठाना चाहिए कि इसको रीडिज़ाइन करके देखना चाहिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे छोड़ ही दें, इतना अच्छा रिसोर्सेज है, और वैसे भी अगर 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं तो आप 30 करोड़ लोगों के लिए 2 लाख को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो ये फिर आपकी मर्जी है। तो आपको इसको बैलेंस करना है, कास्ट और बेनिफिट्स मिला के आपने इसको कैसे बेनिफिट्स इस मुल्क को देने हैं, ये सोचने की बात है। तो ये इस तरह के जो माहरीन हैं इनसे ज़रूर आप डिस्कस करना चाहिए, माहरीन को, गवर्नमेंट के लोगों को या जो अरबाब इक्तदार हैं उनको बैठना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई सलूशन आई होप के निकल ही आएगा। तो आखिर में मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।